ज्यादा नहीं मीडियम स्पाइसी। अदरक कच्चा मसाला, कच्चा मसाला मतलब गरम मसाला, गरम मसाला हल्दी 15 किलो मटर, खोपरे का पेस्ट, बस खोपरा ही है इसमें और कुछ चीज है? खोपरा नहीं, धनिया, खोपरा और धनिया, एक काले अनियन का पेस्ट, काले, ये कौन सा काला मसाला? काला मसाला। तो काला मसाला नासिक में काफी फेमस है, ये नासिक में। काफी स्पाइसी होता है ये बॉईल किया मटर है, बॉईल किया है मटर। अच्छा, इसको आर्मी भी बोलते हैं, आर्मी कहते हैं इसको। इसका ही सूप यूज किया जाता है। कितना देर उबाल होने के लिए रखा है? 5-10 मिनट का उबाल आ चुका है, सो ऊपर तर्री भी आ गई है और स्पाइसी हो गई काफी ज्यादा। ज्यादा नहीं मीडियम स्पाइसी होगा, मीडियम स्पाइसी मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र के लोगों को तो स्पाइसी लगेगी। खोबरे का पेस्ट, खोबरे का पेस्ट, काला मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला है। उसी का तर्री यूज करते हो? तो खाला रिंग। अच्छा, मटन फ्राई फुल, तो ये फ्राई हो चुका है रेडी। तो यहाँ पे बनती है भाकरी। भाकरी मतलब महाराष्ट्र की एक, उसको रोटी भी कहा जा सकता है, जो बनती है बाजरे की, बाजरे की भाकरी है ना, ये भाकरी ना ये हाथ से बनाना पड़ता है, हाथ से ही बनानी पड़ती है, बेलन का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, इसको आखिर में कोयले पे मतलब वो चूल्हे पे भी ये किया जाता है, सीखा जाता है। ये देसी अंडा है? देसी अंडा। अच्छा, चिकन थाली के लिए। ये मटन थाली लग रही है? मटन। ये हमारी बाजरे की भाकरी। ये आपका हो गया। ये चिकन थाली रेडी। मटन स्पेशल। गावरान मतलब देसी चिकन, देसी थाली। ये रेगुलर चिकन थाली है? ये रेगुलर चिकन थाली है, गावरान नहीं है। हम सबसे पहले भाकरी ट्राई करके देखेंगे, जो महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल है भाकरी। तो सबसे पहले नींबू डाल देंगे हम, और देखो कितनी परफेक्ट है ये। मटन पूरा पूरा कुक हो चुका है, कितनी इजीली ये रिमूव हो जा रहा है। कीमा भी काफी टेंडर लग रहा है। ऐसा कॉम्बो जो है आपको 450 में, और ये कॉम्बो आपको 300 रुपये में मिल रहा है, और क्या ही माल चाहिए आपको।